डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने स्क्रू ज्वाइंट, स्ट्रेसेस इन स्क्रू कुछ पढ़े तो थे, और आज पावर स्क्रू का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। बाद बाकी मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 52 है, और लेक्चर नंबर 50 से लेकर के 60 तक पूरा लगभग 8 से 10 लेक्चर जो है पावर स्क्रू के ऊपर ही रहेगा। तो हम लोग मैनुअली पेन और पेपर पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जस्ट मैं स्क्रू जो है पावर स्क्रू दिखा दूं, और इस स्क्रू का एप्लीकेशन कहाँ पे है ये सब चीज़ जो है हम थोड़ा सा बताने के लिए, क्योंकि तो कई बार क्या होता है कि ऑन पेन पेपर बहुत कुछ समझाते हैं लेकिन आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि अरे यार ये पावर स्क्रू क्या है, कभी देखे नहीं, कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, ठीक ना, ये किस चिड़िया का नाम है। तो वो यही चिड़िया है जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक ना, दैट इज दी पावर स्क्रू। इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, कोलार है, ठीक ना, और ये जो नीचे देख रहे हैं वो हेड है, और नीचे जो देख रहे हैं वह क्या है, ये पूरा का पूरा बॉडी है, और ये क्या है, रॉड है, ठीक ना, इसके ऊपर स्क्रू थ्रेड कटे हुए हैं। तो बेसिकली पावर स्क्रू इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इंटू ट्रांसलेटरी मोशन। देख रहे हैं यहाँ पे रोटरी मोशन है, ये क्या है, लीवर है, ये आप देख रहे हैं लीवर, और लीवर आप रोटेट करते हैं, ये ट्रांसलेटरी से ऊपर अपलिफ्ट हो रहा है, और नीचे करने में भी आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक ना। ओनली रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसलेटरी हियर, पर्पज इज टू अपलिफ्ट द आइटम्स, जनरली हेवी व्हीकल्स उठाने के काम आता है। फिर एक बार बता दें कि सबसे ऊपर कप शेप जो देख रहे हैं वो क्या है, कोलार है, नीचे क्या है, ये हेड है, नीचे क्या है, उसके बॉडी है, ये पूरा का पूरा बॉडी है, ये फाउंडेशन है, और ये रॉड है। और स्क्रू जैक में जो है इसका पर्पज क्या है कि टू लिफ्ट द वेट लीड स्क्रू ऑफ द लेथ। आप देखे होंगे लेथ मशीन में इसका यूज होता है फॉर द एक्सियल मूवमेंट, और टेंसाइल टेस्टिंग में जो है बेंड करने के लिए या क्लैंप करने के लिए वर्क पीस को स्क्रू जैक का कॉन्सेप्ट, स्क्रू जैक नहीं सॉरी पावर स्क्रू का कॉन्सेप्ट जो है स्क्रू जैक, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली इट इज द एप्लीकेशन ऑफ पावर स्क्रू। कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक ना, कि किस तरह से जो है स्ट्रेसेस जनरेट होता है और जो है इसका एप्लीकेशन है। अब इसको आप रोटेट करेंगे तो ये क्या होता है, धीरे धीरे उठेगा, इसको आप रोटेट करेंगे तो, ठीक ना, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो धीरे धीरे नीचे आएगा। ये देखिए नट बोल्ट, ठीक है, टाइप ऑफ द स्क्रू थ्रेड्स, ठीक ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्क्रू थ्रेड्स ये आप देख सकते हैं, स्क्वायर थ्रेड्स हमने यूज किया है, एक्मे थ्रेड और बटरेस थ्रेड, ठीक ना, ये सारे थ्रेड्स हम लोग यूज किए हैं, करेंगे आगे भी, ठीक ना। इसका रियल टाइम एप्लीकेशन है, यदि स्ट्रेंथ की बात करें तो इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें मिलता है, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें मिलता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ मिलता है, बटरेस थ्रेड में। लेकिन यदि कीमत की बात करेंगे तो कीमत सबसे जो है कम इसका है, स्क्वायर थ्रेड का, और वाइड एप्लीकेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी लोड अपलिफ्ट करना हो वहीं पे जो है बटरेस थ्रेड या एक्मे थ्रेड यूज करते हैं, लाइट लोड के लिए स्क्वायर थ्रेड इज सफिशियंट। तो ज़्यादातर आप लेथ मशीन वगैरह में देखेंगे कि स्क्वायर थ्रेड ही यूज करते हैं। उसी तरह से मल्टीपल थ्रेड, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, फोर स्टार्ट, आप कहीं जाते आते पानी का बोतल तो जरूर खरीदे होंगे, आप उसका कैप और बोतल का जो है ऊपर देखिएगा तो आप देखेंगे कि वह डबल स्टार्ट होता है। डबल स्टार्ट होने से दो फायदे होते हैं, या ट्रिपल स्टार्ट या फोर स्टार्ट होने से डबल फायदे हैं। क्या फायदे हैं देखिए यहाँ पे, ये तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है ना, फोर, फाइव, कितना भी स्टार्ट दे सकते हैं, लेकिन क्या फायदा है, एक चीज तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ सिंगल रिवोल्यूशन में ये कितना मूव किया, ये कितना मूव किया और ये कितना मूव किया। दैट मीन्स कि जहाँ पे फास्ट मूवमेंट चाहिए हमें स्क्रू थ्रेड का, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, हम मल्टीपल थ्रेड्स यूज करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो डबल हो, ट्रिपल हो या फोर स्टार्ट। टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड बाय स्क्वायर थ्रेड्स, ये हम लोग लेक्चर नंबर 53 में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, टू मच डिटेल में, ठीक है ना, ये तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, यहाँ कॉन्सेप्ट दिखाया है, बट ये लेक्चर नंबर आप
53 जरूर देखिए, वहाँ पे हमने ये पूरा टॉर्क निकाला है। और टॉर्क में दो कंडीशन, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लेकर के और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी लेकर के, ये दोनों हमने निकाला है। ये आपका स्क्वायर थ्रेड्स जो है, और ये कॉलार है, और ये हेड है जो अभी हमने आपको दिखाया भी था। ये हेड है, हेड के ऊपर ये कॉलार फिट होता है। इसका पर्पज क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन मेन पर्पज यही है कि कॉलार रोटेट नहीं होता है, हेड रोटेट होता है, ठीक है ना। देयर इज नो रोटेशन इन बिटवीन। जब रोटेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और लगना भी चाहिए। इसीलिए कॉलार का अलग से टॉर्क निकालते हैं, कॉलार का टॉर्क अलग से निकालते हैं, और स्क्रू का हम अपना अलग से निकालते हैं, और बाद में दोनों को जोड़ देते हैं। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्क्रू थ्रेड्स। स्क्रू का रियल टाइम एप्लीकेशन है, ठीक है ना, रियल टाइम एप्लीकेशन है कि कहाँ पे इसको यूज करते हैं। टॉर्क वही इस लोड को नीचे लाने में, अभी ऊपर ले जाने में आप देखे थे प्लस था, नीचे लाने में माइनस है, और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे ये ऊपर आप ले जा रहे थे पिछले स्लाइड में, और इस स्लाइड में आप देखिए नीचे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। इज देयर एनी डिफरेंस सर? देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप देखिए, ये भी एग्जाम्पल है स्क्रू का, ठीक है ना। हाँ, ये अलग बात है, ये पावर स्क्रू नहीं है, जस्ट ये हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करा है। हाँ, ये पावर स्क्रू है, देखिए, ठीक है ना, देख रहे हैं, मशीन गन में जो है गोली भरने के काम आ रहा है, ठीक है ना। और भी कई जगह इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका। उसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेड, ये हम लोग लेक्चर नंबर 54 में डिटेल में निकालेंगे, बहुत ही डिटेल में निकालेंगे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में। वहाँ पे राइट हैंड स्क्रू और लेफ्ट हैंड स्क्रू और ओवरहॉलिंग एंड सेल्फ लॉकिंग ऑफ द स्क्रू बताएंगे ही बताएंगे। सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू का जो है हम निकाले हैं, वहाँ पे डेराइवेशन और कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, ये सब हम जो है बताए हैं। अभी तो ये जस्ट एक रिविजन के तौर पर, एक जस्ट मॉडल के कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको बताया कि पावर स्क्रू ऐसा होता है, इसलिए हम ऐसा बनाए हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि एक पिक्टोरियल व्यू आपके दिमाग में बैठ जाए। जब हम मैनुअल पेपर राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको समझने में दिक्कत ना हो, ये हमारा यहाँ पे मकसद था। एक में और ट्रेपोजॉइडल थ्रेड, ये भी वाइड एप्लीकेशन है, और इसकी जो है हमने बताया था कि स्क्वायर थ्रेड से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और इसका जो है हेलिक्स एंगल अपने जगह पे तो है ही, और ये भी जो है ऑटोमेटिक अपने जगह पे आ जाता है। बीटा तो जो है अल्फा और बीटा दोनों चीज़ इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, और जो है नॉर्मल लोड जो निकलेगा डब्लू कॉस अल्फा, बस यही अंतर है। दैट मीन्स कि जो नॉर्मल आप स्क्वायर थ्रेड में निकाले हैं जो भी इक्वेशन, उसके आगे कॉस अल्फा जोड़ दीजिए आप, तो वह किसका हो जाएगा? ट्रेपेजॉइडल थ्रेड्स। एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, पावर स्क्रू का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये तो एंड पॉइंट एंड लोकेशंस के शेप हैं, डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए डिफरेंट मशीन से डिफरेंट जो है टॉप बनाते हैं। अगेन, ठीक है ना, पावर स्क्रू का ये जो है आपका क्या हो गया, नट हो गया, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट बताए हैं कि स्क्रू जो है नट का जब भी टाइट करना हो तो वहाँ पे आपको डबल रिंच चाहिए, एक तो आपको स्क्रू टाइट करने के लिए, दूसरा बोल्ट पकड़ नट को पकड़ने के लिए और बोल्ट को टाइट करने के लिए, तो दो नट दो रिंच चाहिए होता है। एप्लीकेशन ऑफ द पावर स्क्रू, पावर स्क्रू एप्लीकेशन, दैट मीन्स कि पावर स्क्रू क्या थ्योरी ही थ्योरी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट मेरा इसका भी तो रहना चाहिए ना। किसका किसका? न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल और प्लस प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, आप जिस भी कॉलेज में हैं वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लैब में होगा, नहीं होगा तो आप कहीं भी इंडस्ट्री में किसी भी मशीन को देखिए, किसी भी पुराने धुराने जो है मशीन में जा करके वहाँ इस टाइप का स्क्रू आपको देखने मिल जाएगा। तो वहाँ पे स्क्रू खोलिए, देखिए कि पांडे सर ने जो बताया और यहाँ जो है क्या कहीं तालमेल खा रहा है। फिर एक चीज़ और बता दें कि इसके जितने भी स्पेसिफिकेशन हैं जो भी आपको चाहिए वो कहाँ से मिल जाएगा? डाटा बुक से।
पावर स्क्रू का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आप इसी तरह से अभी समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। और आप फेसबुक पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, लेट अस बी ए फ्रेंड, नॉट नाउ देन नेवर, अभी और अभी और सिर्फ अभी। तो आप फेसबुक पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे भी आप मैकेनिकल पंडित लिखेंगे तो आपको हम मिल जाएंगे, मैं वहाँ भी पाया जाता हूँ। ट्विटर पे भी आप जितेंद्र पांडे लिखेंगे तो मैं मिल जाऊंगा, और जहाँ भी आप मिलेंगे जो है कहीं ना कहीं आप जो है हमसे किस तरह से मिलेंगे, रिलेटेड टू आइदर मैकेनिकल और स्पिरिचुअल। अब बोलिएगा सर स्पिरिचुअल कहाँ से आ गया, तो मैकेनिकल तो मैं आपको पढ़ाता ही हूँ बताता ही हूँ। और एक डॉक्टर जितेंद्र पांडे करके एक चैनल है ठीक ना, वहाँ भी हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जरूर देखिए, लाइफ चेंजिंग मोड ऑफ वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में वो वीडियो बहुत काम आए, काम नहीं बहुत काम आए। तो होप कि जीवन में आप नित्य नई उन्नति करते रहेंगे, और धन्यवाद तो आप दे ही रहे होंगे हमें, साथ में ये शेयर भी करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी आपको धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए।